पहली बार 7 किलोमीटर में हाईटेंशन हटा दी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिविल लाइन्स में। फिर भी जिस दिन रिजल्ट आया मेरी माँ की आंख में आंसू थे। क्या गुनाह किया? कभी जाओ सिविल लाइन्स में, जाकर देखो, हर आदमी कहेगा काम किया है। अब काम किया है तो कब दोगे आशीर्वाद? एक बार मार दिया, दोबारा मारोगे तो हम तो मर जाएंगे लेकिन दूसरा नहीं आएगा। का बेटा ऐसे कोई संघर्ष नहीं रहा जिस संघर्ष को बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाया नहीं हो, लेकिन आज इस संघर्ष को आपकी जरूरत है। मेरी आवाज़ आज कमज़ोर पड़ रही है, बीजेपी जो हमले कर रही है, जिस तरह से हमें घेर रही है, इस आवाज़ को आपका साथ चाहिए। यदि ये आवाज़ मरी तो कल कोई दूसरा तैयार नहीं होगा, लेकिन ये फैसला हो जाएगा कि ये आवाज़ जिंदा रहेगी या नहीं। आप मेरे सामने जो भी लोग लड़ रहे हैं मैं सबका सम्मान करता हूँ, आप ये बता दो वो आवाज़ें कब सुनाई दी, मैं कहाँ नहीं पहुँचा, मैं कहाँ नहीं लड़ा, कहाँ खून पसीना नहीं गिराया, पढ़ता हूँ जब से लड़ता हूँ। यदि कोई गलती हो गई तो बता दो, सजा भुगत लेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग जिस तरह से मेरे लिए कह रहे हैं कि हल्दी घाटी याद दिला देंगे, तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया था हल्दी घाटी में? अच्छा लड़े थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम का सूरी मुसलमान पठान था, फिर पीर का पठान बना। सामने राजा मानसिंह लड़ रहे थे, लेकिन उस वक्त भी इतनी गंदी भाषा नहीं बोली जाती थी, सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। कल से ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं, लिख रहे हैं प्रताप सिंह को जमीन सुखा देंगे। मैं लोगों से हाथ जोड़ के कहूँगा, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का दोस्त हूँ, तो सब बहनों से मैं कहूँगा, हर माँ से कहूँगा कि आप पता कर लेना मैंने कोई कमी रखी क्या।